हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज मैं आपके लेके आई हूँ कि जो बिगिनर्स होते हैं, जब वो थ्रेडिंग करते हैं तो वो किस तरह से थ्रेडिंग करते हैं और उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो मैं आपको अपनी इस वीडियो में दिखाऊंगी बिगिनर्स के लिए कि बिगिनर्स किस तरह से थ्रेडिंग करते हैं और उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या चीज़ उन्हें नहीं करनी चाहिए थ्रेडिंग में, वो सब कुछ आज मैं आपको बताऊँगी। तो मेरी स्टूडेंट ने मेरी थ्रेडिंग की और मैंने उसका जो रिकॉर्डिंग है वो मैंने बनाया है। वो बिगिनर थी और उन्होंने किस तरह से थ्रेडिंग की और उन्होंने क्या क्या मिस्टेक्स की, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरी इस वीडियो के साथ। जब भी हम थ्रेडिंग करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें पाउडर ज़रूर लगाना चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है पाउडर का। इससे क्या होता है कि जो आपके चिपके हुए बाल होते हैं वो सारे अलग अलग हो जाते हैं, जिससे कि एक बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट मिलता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो बिगनर्स होते हैं वो सबसे कॉमन मिस्टेक्स कि देखिए, जैसे कि ये कर रहे हैं कि इसके ऊपर से बहुत सारे जो बेबी हेयर्स हैं छोटे छोटे से, ये जो हैं वो छूट रहे हैं। तो हमें एक प्रॉपर लाइन में इस थ्रेड को लेना होता है ताकि हमें प्रॉपरली इसकी जो थ्रेडिंग है वो कर सकें एक लाइन में। और इसमें बहुत सारे हेयर्स जो हैं वो छूट जाते हैं जब हम स्टार्टिंग में करते हैं, हमें पता नहीं लगता कि हमें कहाँ से थ्रेडिंग करनी है। जब किसी की थ्रेडिंग देखते हैं तो उसकी थ्रेडिंग पे एक प्रॉपर लाइन होती है, एक प्रॉपर ग्रोथ होती है जो कि हमें देखकर उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। दूसरी मिस्टेक ये है कि कभी भी थ्रेडिंग को बहुत ही ज़्यादा फेस के पास नहीं जाना चाहिए करते हुए, जैसे कि ये मिस्टेक हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। थोड़ा डिस्टेंस रखिए ताकि आप भी उसे प्रॉपरली देख सकें और आपको दूर से पता लग सके। जो चीज़ आप पास से नहीं देख सकते वो आप थोड़े से डिस्टेंस से देखते हैं तो हमें प्रॉपरली पता लगती है। तो ऊपर की थ्रेडिंग में थोड़े हेयर्स रह रहे हैं। अब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं। देखिए, ग्रोथ फुल है यहाँ पे जब हम ये थ्रेडिंग कर रहे हैं। तो जब बिगनर्स का जो हैंड होता है वो थोड़ा स्लो चलता है और वो कोशिश करते हैं कि वो एक टाइम में एक या दो हेयर से निकालें, क्योंकि उनके जो हाथ में अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं होती है, जिसकी वजह से उनका हाथ थोड़ा स्लो चलता है और उन्हें इतनी फास्ट नहीं चला सकते, उन्हें पता नहीं लगता कि कौन से हेयर्स निकालने हैं, जिसकी वजह से वो एक एक दो दो करके हेयर्स निकालते हैं। तो ये जो है कौन से हेयर्स निकालने हैं इस चीज़ का ध्यान दें। सेंटर से पहले आप कॉर्नर के साइड्स के हेयर्स निकालेंगे। तो ये यहाँ पे एक और मिस्टेक हो रही है जो कि हम सेंटर से निकाल रहे हैं तो कॉर्नर से छोड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। सेंटर से कॉर्नर की तरफ आप जब एक थ्रेड लेके जाते हो तो पूरे के पूरे हेयर्स जो है वहाँ से निकल जाते हैं एक ही टाइम में, तो जो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो सेंटर से, जैसे कि अब आइए, सेंटर से कॉर्नर पे एक इस तरह से थ्रेड लेके जाना है और फिर निकालने हैं। इससे क्या होगा कि आपके एक साइड के जो लेंथ के हेयर्स होते हैं वो निकल जाते हैं प्रॉपरली और एक ही बार में निकल जाते हैं। लेकिन बिगनर्स हैं तो आप वही स्टेप्स फॉलो कीजिए कि एक टाइम में सिर्फ दो या तीन हेयर्स निकालिए, ज़्यादा हेयर्स निकालने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि कट पड़ जाते हैं, जिससे कि वो थ्रेडिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। फिर अगर सेंटर में आपके हेयर्स रह जाते हैं तो थोड़े से उसकी शेप देने के लिए, क्योंकि शेप जो होती है वो सेंटर थ्रेडिंग के सेंटर से आती है, तो उस तरह से आप उसकी शेप जो है वो दे सकते हैं अगर थोड़े बहुत हेयर जो है रह जाते हैं। तो अब हम देखिए, यहाँ पर हम कर रहे हैं साइड के जो हेयर्स हैं वो रिमूव कर रहे हैं। बहुत ही स्लो प्रोसेस है क्योंकि ये बिगनर्स हैं जिनकी, इसी की वजह से उनका जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो है और काफ़ी टाइम लगा था। ये मैंने थोड़ा फास्ट करके दिखाया है। और ऐसे ही हमारे जो साइड के हेयर्स हैं, यानी कि सेंटर से साइड के हेयर्स हैं, वो निकाल रहे हैं। और इन हेयर्स को भी जब भी निकालें, वैसे तो वो एक टाइम में निकल जाते हैं लेकिन कुछ कुछ हेयर्स ऐसे होते हैं जो चिपके रह जाते हैं, तो उसका आपको बहुत ही ध्यान से निकालना है। ये नहीं कि एक के साथ दूसरा हेयर चिपका हुआ हो और वो निकल जाए और वो जिससे आपकी थ्रेडिंग की शेप बिगड़ जाए, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। कभी कभी आपको थ्रेड को हेयर्स के बीच में से जैसे कि लेके जा रही हैं ले जाना पड़ सकता है, तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान दें और ये जो हेयर्स हैं
प्रॉपरली उन्हें निकालें। तो ये जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। लास्ट में मैं दोनों थ्रेडिंग्स के बीच का डिफरेंस दिखाऊंगी कि जो बनाई है वो कैसी है और जो सेकंड वाली थ्रेडिंग है जो अभी नहीं बनी है और उसमें कितना डिफरेंस है और कितनी फिनिशिंग आई है, आप देखिएगा। तो इन चीज़ों का आपने कुछ ध्यान रखना है। और जब भी आप थ्रेडिंग करें, जब भी आप इस साइड जैसे निकाल रहे हैं, इस साइड के बाल निकालें, तो आपको थोड़ा यानी अपवर्ड डायरेक्शन से थोड़ा ज़्यादा पकड़ के रखना पड़ता है, कस के पकड़ना रखना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट थ्रेडिंग जो है वो हो चुकी है फर्स्ट, और आप इनमें डिफरेंस देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो अभी की है हमने, और सेकेंड वन जो कि अभी हुई नहीं है, तो कितना डिफरेंस है और कितनी ग्रोथ थी।